हरियाणा सर्वजन पार्टी ने खट्टर सरकार से मांग की है कि जाट आरक्षण फिर से ना उभरे, इसके लिए पहले ही इंतजाम किए जाएं। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा सर्वजन पार्टी के अध्यक्ष रोशनलाल आर्य, इनसे जानते हैं कि वो समय से पहले क्यों मांग कर रहे हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण का जब भी शुरुआत की गई, उसी समय कानून व्यवस्था चरमराई और बड़े भारी अपेक्षा के विपरीत बहुत नुकसान हुआ। फरवरी पिछले वर्ष 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 30 लोगों की जानें गई और बड़ी शांति व्यवस्था भंग हो गई, कानून व्यवस्था भंग हो गई। तो अभी हरियाणा के हित में यही है कि सरकार, जैसे अब जाट समाज के लोगों ने आरक्षण के लिए फिर से शुरुआत करने की घोषणा की है, तो समय रहते ही उसको तुरंत रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए जाए। और यशपाल मलिक बार बार कह भी चुके हैं कि जब तक हमारे समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो या तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि उनके ऊपर लोकतंत्र को बचाने की, कानून व्यवस्था को संचालन करने की और हरियाणा की विकास करने की जो जिम्मेदारी आई है, उसको गंभीरता से निभाएं। मैं समझता हूं खट्टर जी को भी एक समस्या ये पैदा हो गई है, 50 संघ के आदमी बैठे हैं तो उनको भी परेशान किया हुआ है। 2-3 आदमी तो घर पर इनकी निगरानी करते हैं, कोई दफ्तर में करते हैं, इनने कौन सी करवट ली उसकी रिपोर्ट दिल्ली जाती है संघ कार्यालय में। तो ऐसे इतना मजबूर निकलना चाहिए। मैं नहीं समझता कि खट्टर जी पर इतना शक करने की ज़रूरत है कि हर समय उन पर पूरी निगरानी की जाए, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे हरियाणा के लोगों में असंतोष है। 3 साल होने को जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ सर्कस करता हुआ, कलाबाजियाँ खाता हुआ घूम रहा है, और कभी कभी CBI बुला लेती है, कभी कभी इसको विजिलेंस वाले टोक देते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तगड़ी है। और हमें तो दिल्ली में गए तो वहाँ लोगों ने बताया कि हुड्डा ने यहाँ भी अपनी सांठ गांठ कर ली है। 1,00,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ कमा के जहाँ हुड्डा ने एक और कांग्रेस को खरीदा हाईकमान को, अभी उन्होंने BJP में भी अपने सेल बना लिए हैं और इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम भाईचारा स्थापना करना चाहते हैं, तो एक तो भाईचारा की स्थापना उन्होंने तब की जो अपनी ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के सिर में डंडा मारा अपने गनमैन सिक्योरिटी अधिकारी के जरिए, और वो सिक्योरिटी अधिकारी 250 करोड़ की संपत्ति बनवाई हुड्डा ने उसकी। और दूसरा भाईचारा स्थापित किया था जब कुलदीप बिश्नोई की टांग तोड़ी थी, एक तीसरा भाईचारा स्थापित किया था जब राकेश कंबोज की बाजू तोड़ी थी। तो ये भाईचारे की, ये लट्ठी से बाजू टांग हाथ तोड़ के भाईचारे की एक नई परिभाषा लिख रहे हैं। आर्य जी, ये बताओ कि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चारों तरफ RSS के लोगों ने घेरा हुआ है, किस आधार पर आप कह रहे हैं? मेरे पास सूचना है, उनके अखबारों में भी छपी थी, 19 आदमी बायोडाटा छपे जो हरियाणा से बाहर के हैं, वो ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। हमारा हरियाणा का नाश तो ट्रेनिंग देने में हो गया, अभी पूरे 3 साल कभी कोई ट्रेनिंग लेता है, कोई ट्रेनिंग लेता है। ये थे मेरे साथ हरियाणा सर्वजन पार्टी के अध्यक्ष रोशनलाल आर्या।